मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पत्र भेजा है। इस चिट्ठी को आठवें समन के रूप में देखा जा रहा है। ईडी ने इस पत्र में हेमंत सोरेन से अब तक पूछताछ के लिए नहीं आने का कारण पूछा है। हेमंत सोरेन ने इस मामले में जवाब देने के लिए 16 से 20 जनवरी तक का समय भी दिया गया है। ईडी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि हेमंत सोरेन 16 से 20 जनवरी के बीच जांच एजेंसी के कार्यालय में अपना बयान दर्ज कराए। इससे पहले भी ईडी ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलब करते हुए उन्हें एक पत्र सह समन जारी किया था। ईडी ने उस पत्र में भी सोरेन से जांच अधिकारी को अपनी सुविधा अनुसार तारीख, स्थान आदि के बारे में जानकारी देने को भी कहा था, ताकि उनका मनी लॉन्ड्रिंग केस में बयान दर्ज किया जा सके। कुल मिलाकर ईडी की ओर से यह आठवीं बार है जब सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया गया है। सोरेन ने पिछली बार सातवें समन सह पत्र पर हाजिर होने से परहेज भी किया था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।